जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। आज काफ़ी समय के बाद बात करेंगे काल भैरव के बारे में, क्योंकि मेरे हिसाब से जितनी जानकारी मुझे बाबा के बारे में देनी चाहिए थी मैं दे चुका हूँ अपने चैनल पर, वो जानकारी भी दी है जो आज तक कभी किसी ने बताई नहीं है। लेकिन विडंबना देखिए कि जब तक किसी को पता नहीं चलता था कि बाबा के बारे में बातें क्या हैं, तब तक कोई वीडियो भी नहीं बनाता था। परंतु उन्हीं वीडियोस को आधार बना करके, उन्हीं वीडियो में दी गई जानकारी को अपना मूल बना करके लोगों ने ऐसी ऐसी बातें बाबा के बारे में फैला दी जो कभी सोची भी नहीं जा सकती थी। सबसे पहले तो लोगों को एक तो अपने दिमाग से ये बात निकालनी पड़ेगी, चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, उसको अपने दिमाग से ये बात निकालनी पड़ेगी कि भैरव बाबा की साधना या भैरव बाबा की पूजा जो है वो केवल शमशान में ही होती है और केवल शमशान में ही की गई पूजा जो है वो फल देती है। ठीक है, हालांकि ये बातें प्रचलन में लाने वाले वो लोग हैं, ये बातें लोगों को बताने वाले वो लोग हैं जिन्होंने भैरव बाबा का कोई मंदिर तो छोड़ दीजिए, अपने घर के चार दीवारी के बाहर भी कभी पैर नहीं रखा, शमशान भी बहुत दूर की बात है। जिसने खुद कभी शमशान की शक्ल ना देखी हो, जिसको ये नहीं पता कि शमशान में किस प्रकार की शक्तियों का वास होता है, जिसको ये नहीं पता कि शमशान में किन देवताओं का वास होता है, जिनको ये नहीं पता कि उन देवताओं को नियंत्रित कैसे किया जाता है, उन देवताओं से उनकी साधना कैसे की जाती है, उनसे आशीर्वाद कैसे लिया जाता है। आज से 4 साल पहले मैंने YouTube पर एक प्रश्न पूछा था बाबा का, आज 4th साल है, आज तक उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। ठीक है, बंदने को भैरव बाबा के साधक बहुत बड़े बड़े हैं YouTube पर ही हैं। उन YouTube के साधकों को आपने कभी भी किसी तीर्थ स्थान पर, बाबा के किसी स्थान पर, उज्जैन, बनारस, कहीं नहीं देखा होगा। उन बड़े बड़े साधकों को भी इस बात का जवाब नहीं मिला जो मैंने पूछा था कि आज से अगर आप बाबा की साधना करते हो और बाबा आपको प्रकट होकर के आपसे आपके पुत्र की बलि मांगते हैं या आपके परिवार के किसी व्यक्ति की बलि मांगते हैं तो आप क्या करोगे, आज तक इसका जवाब नहीं मिला। देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि जो गलत है वो गलत है। हम सब भैरव बाबा की मूल उत्पत्ति, उसका कारण सब कुछ भूल चुके। आज की डेट में कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये पता है कि भैरव बाबा की उत्पत्ति का कारण क्या था? मैं बताता हूँ, भैरव बाबा की उत्पत्ति का मूल कारण था अहंकार का विनाश करना। ये बात मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, ये बात कि बाबा की उत्पत्ति का जो मूल कारण था वो था अहंकार का नाश करना। किसके अहंकार का नाश करना? ब्रह्मा के अहंकार का नाश करना। ब्रह्मा कौन थे? ब्रह्म यानी ब्रह्मांड के जनक, ब्रह्मांड के रचयिता। और ये आज के समय की, आज के समाज की सबसे बड़ी विडंबना है कि जिस देवता का जन्म हुआ था अहंकार का नाश करने के लिए, आज के समय में सबसे ज़्यादा अहंकारी उन्हीं के साधक होते हैं, उन्हीं के भक्त होते हैं। बहुत लोग आपने देखा होगा, मैं भैरव की पूजा करता हूँ, मैं काली की पूजा करता हूँ, मैं भैरव की पूजा करता हूँ, मैं काली की पूजा करता हूँ। ये जो मैं होता है यही अहंकार है। याद करिए, ब्रह्मा ने क्या कहा था कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा हूँ। ये मैं जो होता है यही अहंकार होता है, और इसी अहंकार के नाश के लिए भगवान काल भैरव का जन्म हुआ था। और उनको विलीन इसीलिए नहीं किया गया वापस, भगवान शिव ने उनको वापस इसीलिए विलीन नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि जब ब्रह्मा के अंदर अहंकार आ सकता है तो किसी के अंदर भी आ सकता है। तो आप ये चीज़ कैसे सोच सकते हो कि आप अहंकार में पड़ोगे, आप अहंकार में रहोगे और बाबा आपके ऊपर कृपा करेंगे? सबसे पहले मैं उन साधकों से, उन यूट्यूबरों से प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आप लोग जितने कॉन्फिडेंस में आकर के बोलते हो कि शमशान में जाकर के दिया जला करके साधना कर लेना, आपको पता है कि भैरव मंत्र कितने चरणों में होता है? आपको पता है कि भैरव, आप बात कर रहे हो शमशान के राजा की, शमशान के राजा की, काल के राजा की। ठीक है, आज की डेट में आपको अगर किसी मुख्यमंत्री से भी मिलना होगा तो 50 लोगों से आपको पैरवी लगवानी पड़ेगी तब जाकर के आप मुख्यमंत्री से मिल पाओगे 5-10 मिनट के लिए। आप बिना किसी रक्षा कवच के, बिना किसी प्रक्रिया के, बिना किसी पद्धति के आप ये साधना के दे रहे हो,
कि आप 41 दिन की 21 दिन की 11 दिन की शमशान में साधना कर लीजिए, सपने में भैरव बाबा आके दर्शन दे जाएंगे, भैरव बाबा सामने आकर के दर्शन दे जाएंगे। आप दलाल हो क्या हो? आप अपने आप को दलाल समझते हो? दलाल का मतलब समझते होंगे आप लोग जो ब्रोकर डीलिंग करवाता है ना, कि हाँ ये इतने में होगा, ये इतने में होगा। आप अपने आप को वो समझ रहे हो भैरव बाबा के, कि भैरव बाबा ने आपको दलाली का लाइसेंस दे रखा है कि इनसे इतना मान, इनसे इतना जाप करवाना है, उसके बाद में मैं जाऊँगा दर्शन देने। आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हो कि आप काल के नियंत्रक देवता को नियंत्रण में ले लोगे? आप कैसे किसी को वचन दे सकते हो कि आप ये कर लो आपको बाबा दर्शन देंगे? आप कैसे किसी को ये सपने दिखा सकते हो? आप ठेकेदार हो बाबा के, आप बाबा के दलाल हो, आप क्या हो? आप अपनी औकात क्या समझते हो? आप लोगों को प्रेरित कर सकते हो कि आप बाबा की सेवा करो, बाबा की पूजा करो, बाबा कृपा करेंगे, ये एक चीज़ होती है। आप इस मंत्र का जाप करो, इस मंत्र से जाप से बाबा प्रकट होंगे, प्रकट होकर के आपसे वो ये बोलेंगे, ये बोलने के बाद में आपको उनको ये बोलना है, उसके बाद में वो आपका काम करने के लिए वचनबद्ध हो जाएंगे। ये क्या है? एग्रीमेंट। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोग क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। मेरे को फ़र्क पड़ता है लोगों से, जो लोग आपको देख करके मार्ग भटकते हैं, जो लोग आपको देख करके अनजाने में शमशान की उन अदृश्य शक्तियों से अपना संबंध जोड़ लेते हैं, जो शक्तियाँ उनका जीवन बर्बाद कर देती है। ऐसे ही लोग फिर पंडोकर सरकार के और करौली सरकार के चक्कर काटने बैठते हैं। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग जरा अपने जीवन काल में विचार करें कि उन्होंने क्या कभी किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बताई गई साधना की है, YouTube पर देख करके, किताब में देख करके, जिसकी वजह से जाने अनजाने उनके जीवन में परेशानियां शुरू हो गई, और उन लोगों का अंत में फिर ये कहना होता है कि हमने बाबा की पूजा करी थी, हमने बाबा की साधना करी थी, और हमारे जीवन में कलेश ही कलेश हो गए। सबसे पहले आप लोगों को पूजा, सेवा और साधना, इन तीनों में फ़र्क समझना पड़ेगा। आप जब किसी देवता की सेवा करते हो तो उसके अंदर कोई नियम नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता। आपको जो अच्छा लग रहा है आप उन्हें दो, जो अच्छा लग रहा है आप उन्हें पहनाओ, वो सब कुछ स्वीकार करेंगे। परंतु जहाँ पे बात आती है साधनाओं की, जहाँ पे बात आती है इन उनको साधन की, वहाँ पर नियम प्रयोग होते हैं। और जिनको ये लगता है कि भैरव साधना मजाक है, भैरव साधना ऐसी हो जाती है, उन लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि भैरव साधना के अंदर दिशा के दिशा से लेकर के, दिशा की दिशा का मतलब समझते हो आप लोग? नहीं समझते। दिशा की दिशा का मतलब ये होता है कि कौन सी दिशा में कितनी किस तरफ मुख करके, वो मुख कितना ऊपर होना चाहिए, और कितने आपके डिग्री पे होना चाहिए, कितने अंतर पे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आसन की दिशा क्या होनी चाहिए, उस दिशा का त्रिकोण क्या होना चाहिए। भैरव त्रिकोण का नाम नहीं पता होगा आप लोगों को अभी, जो लोग भैरव के साधक बने हुए हैं। भैरव त्रिकोण क्या होता है, उस त्रिकोण के मंडल कितने होते हैं, उस मंडल के देवता कितने होते हैं, उन देवताओं के उपदेवता कौन होते हैं, उन उपदेवताओं के गण कौन होते हैं। भैरव साधना के चरणों की बात करूं मैं तो भैरव साधना के कुल 1,200,000 से ऊपर नियम हैं। कर पाओगे पालन? अगर नहीं कर पाओगे तो मत करो साधनाएं, और अगर साधनाएं कर रहे हो तो फिर ये दोष मत दो कि भाई साहब हमने बाबा की साधना की थी और हमारे साथ में ये चीज़ें घटित हो गई, हमारे बाप बीमार हो गए, हमारी माँ मर गई, हमारे भाई की नौकरी छूट गई, हमारी बहन की शादी टूट गई। आप जब किसी ऐसी अनियंत्रित ऊर्जा का आवाहन करोगे, भैरव क्या है, भैरव एक अनियंत्रित ऊर्जा है, वो नियंत्रण में रहती है केवल भगवान शिव के। भगवान शिव के अलावा भैरव की शक्ति को नियंत्रित करना ना किसी के बस की है, ना कोई कर सकता है, हम भी नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते। वो अनियंत्रित ऊर्जा, उस ऊर्जा का आप आवाहन कर रहे हो बिना नियमों के, बिना बंधनों के, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे। उसके बाद में जब वो अनियंत्रित ऊर्जा आपके जीवन को अस्त व्यस्त करना शुरू करेगी, तो आप लोग ये उम्मीद करते हो कि कोई आपको बचा लेगा। भैरव की शक्ति से बचाने वाला कौन है? जिसको मारने के ऊपर भैरव उतर आए उसको बचाने वाला कौन है? जिसको मारने के लिए स्वयं काल उसका आकर के खड़ा हो जाए, उसको बचाएगा कौन? डाकिनी बचाएगी, भूत प्रेत बचाएंगे, शमशान मसान, मेहताब चौधरी, ऊत पवन, क्या क्या बचा लेगा? अपने मुंह पर दो मारो थप्पड़ इस गाल पर, और दो मारो थप्पड़ इस गाल पे, ठीक है? और होश में आओ, इस बात को स्वीकार करो कि आप नहीं हो उनकी साधना के लायक। और जब आप इस भाव के साथ साधना करोगे कि आप उनकी साधना के लायक नहीं हो, बाबा आपके ऊपर कृपा करे, आपके ऊपर दया करे, तो संभव है कि आपको बाबा की कृपा मिल जाए।
परंतु शमशान में दीपक जला करके वहाँ पे 11 दिन मंत्र जाप करके 21 दिन मंत्र जाप करके आप ये सोचो कि मैं भैरव सिद्ध कर लूँगा, तो अपने आप को लेकर के जाइए अपने घर के बाथरूम में, बाथरूम में भरिए पानी कमोड में और अपने आप को उसमें डुबा के मर जाओ, ठीक है। मेरी बातें सेवकों को समझ में आएंगी और अभिमानियों के क्रोध दिलाएंगी उनको, ठीक है। तो मेरी तरफ से तेल लगाओ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। जो सत्य है वो सत्य है। अभी चार बातें पूछ दूंगा बाबा के लिए तो कुत्ते जैसा मुंह बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। परंतु नहीं समझ पाओगे आप लोग मेरी, आप लोगों से देखिए, मेरी यूट्यूब के गुरुओं से तो मेरे को कुछ नहीं कहना है, मेरे को आप लोगों से, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग इस चीज़ को समझिए। फालतू में किसी भी प्रकार की ऐसी परिस्थिति अपने हाथ से मत उत्पन्न करें जिसको नियंत्रित करना कल आपके बस में ना हो, ठीक है। और अगर आप करते हैं ऐसी चीज़ें तो फिर आप बाबा को दोष नहीं देंगे, आप बाबा को दोष मत दीजिए, आप देवी देवताओं को दोष मत दीजिए कि आपने देवी देवताओं की साधना करी, देवी देवताओं की उपासना करी, आपका जीवन तहस नहस हो गया। आप अपने जीवन को तहस नहस करने वाले खुद हो, आप खुद हो जो तांत्रिकों के पास में जा करके उनको सानिध्य साधना के लिए, उनको दीक्षा के लिए पैसे देते हो, उसके बाद में आकर के दूसरे चैनल पर ये बोलते हो कि इस व्यक्ति ने मुझे लूट लिया है, इस व्यक्ति ने मेरे 2.5 लाख रुपये ले लिए, इस व्यक्ति ने मेरे 2 लाख रुपये ले लिए, इस व्यक्ति ने मेरे 10 लाख रुपये ले लिए। अरे वो व्यक्ति आपके पास थोड़ी ना गया था। अगर वो व्यक्ति आपको सपने दिखा रहा है, अगर वो व्यक्ति आपको ये बोल रहा है कि तुम मुझे इतना पैसा दो, मुझे मैं तुम्हें क्या कहते हैं तपस्या करूंगा मैं तुम्हारे लिए, तो उसका वो आप समझो उस चीज़ को, ये वो व्यक्ति नहीं समझेगा, उस व्यक्ति का तो ये धंधा है। ये आपको समझना पड़ेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। और अगर आपके अंदर इतनी भी बुद्धि नहीं है कि सही और गलत में फ़र्क कर सको, तो मैं क्षमा चाहूँगा आप लोगों से। साधना मार्ग आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग वहीं करिए, सुबह शाम 2 अगरबत्ती जलाइए बाबा के नाम की, प्रार्थना करिए, पूजा करिए, बस साधना मत करिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता नहीं कैसी लगी होगी वीडियो, मेरे को खुद को नहीं पता, लेकिन जो बातें मैंने कही है इस वीडियो में उन बातों के ऊपर आप विचार करिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।